नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, कहते हैं कि व्यर्थ हमें समर्थ नहीं बनने देता। जीवन वैसे ही बहुत छोटा है, यदि इसे हम व्यर्थ देखने में, व्यर्थ सुनने में, व्यर्थ बोलने में गंवाते रहेंगे तो अमूल्य जीवन तो हाथ से निकलता जाएगा और हम कुछ ठोस, कुछ समर्थ नहीं कर पाएंगे। और ये व्यर्थ न केवल दूसरों को क्षति पहुंचाता है मित्रों, बल्कि हमारी भी मानसिक शांति को, आनंद को हमसे छीन लेता है। क्योंकि व्यर्थ तो व्यर्थ ही है, कचरा तो कचरा ही है, तो क्यों ना हम अपने आप को समर्थ की ओर लिए चलें, व्यर्थ से अपने आप को मुक्त रखते हुए अपने जीवन को आदर्श बनाएं। ऐसा ही कुछ आज का सुंदर सुवाक्य, आइए सुनते हैं। नमस्कार। मन की शांति का आनंद प्राप्त करने के लिए मन को व्यर्थ की उलझनों में फंसने न दें। मन की शांति यानी पीस ऑफ माइंड, वो हमारे जीवन से क्यों लुप्त हो जाती है, उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है, जब हमारा मन व्यर्थ की उलझन, चिंता सोचना और साथ ही साथ ऐसी बातों को मन में दोहराते रहना जिसका कि वर्तमान से संबंध नहीं, जो पास्ट हो गया, जो बीत गया, वो भी वास्तव में देखा जाए तो व्यर्थ ही है। ये सब बातें हमारे पीस ऑफ माइंड को, मानसिक शांति को और उसके आनंद को हमको प्राप्त करने में बाधा बन जाती है। इसीलिए ये बहुत हमारे जीवन के अंदर आवश्यक है कि हम अपने मन की शांति को बनाए रखें। और मन की शांति को बनाए रखने का बहुत ही सहज उपाय है कि हम राजयोग मेडिटेशन के द्वारा व्यर्थ उलझन को और चिंता को कम करते जाएं। और फिर हम देखेंगे कि हमारे जीवन के अंदर पहले से कहीं अधिक शांति है। क्योंकि वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर हमारा मन शांत है तो हमारे मन की सेहत भी बनी रहती है और साथ साथ हमारे शरीर की सेहत भी बनी रहती है। तो आइए शांति से मन को भी स्वस्थ रखें और तन को भी स्वस्थ रखें। मित्रों, बचपन से गांधी जी के तीन बंदरों के बारे में हम सुनते आ रहे हैं, टॉक नो एविल, सी नो एविल एंड हियर नो एविल। एक और चीज़ अध्यात्म हमें सिखाता है, वो है थिंक नो एविल, क्योंकि विचारों से ही तो इन सभी चीज़ों की उत्पत्ति होती है। और यदि विचारों में हम नकारात्मकता और व्यर्थ भर लेते हैं अपने संबंधों के लिए तो संबंध स्मूथ नहीं रह पाते हैं। तो मन का बहुत अहम रोल हो जाता है कि हमारे संबंध हेल्दी हैं, स्मूथ हैं या बिटर हैं। कैसे हम अपने मन को सुंदर और सकारात्मक रख सकते हैं अपने संबंधों को श्रेष्ठ बनाने के लिए, आज डॉक्टर गिरीश पटेल जी इस पर ही सुंदर प्रकाश हम सबको दे रहे हैं। नमस्कार। संबंध सबसे इंपॉर्टेंट है। जीवन क्या है, इस प्रश्न के बहुत सारे उत्तर हो सकते हैं, परंतु एक उत्तर जो मुझे बहुत अच्छा लगता है वह यह है कि लाइफ इज पीपल, जीवन मतलब कि लोग। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता है कि जो कहे कि मैंने पूरा जीवन जी लिया परंतु मैं लोगों को नहीं मिला। तो इसलिए संबंधों को अच्छा बनाना बहुत जरूरी है, जिसमें सबसे पहली बात है कि ये जो सारी बात है उसे महत्व दो। आज हम जिस चीज को महत्व देते हैं वह करते हैं। संबंधों को अच्छा बनाने को आप महत्व देंगे तो जरूर उसके लिए टाइम देंगे। दूसरी बात है कि जो टाइम मैनेजमेंट में कहा गया है कि जो चीज अर्जेंट और इम्पोर्टेंट होती हम करते ही है, परंतु जो चीज इम्पॉर्टेंट है परंतु अर्जेंट नहीं है
वो आप मरते दम तक पोस्टपोन कर सकते हैं। तो एक ऐसी बात है कि जो इम्पोर्टेंट है परंतु अर्जेंट नहीं है, तो इसलिए बीच बीच में उसके लिए टाइम दो। उदाहरण के रूप में कि रिश्तेदारों को फोन करो, उनको कुछ ग्रीटिंग कार्ड्स भेजो और बहुत कुछ हो सकता है, तो उससे भी आपके संबंध अच्छे होंगे। और तीसरी इम्पोर्टेंट बात है कि व्यक्ति जब सामने है तब आप उसकी प्रशंसा करेंगे तो उसका बहुत बड़ा फायदा नहीं है। भल जरूर करो, परंतु जब वो आपके सामने नहीं है, उसकी एब्सेंस में अगर आप उस व्यक्ति की प्रशंसा करते हैं तो घूम फिर करके वह संदेश वहां पहुंचना ही है और उसका इतना अच्छा प्रभाव पड़ेगा, बात मत पूछो, और जीवन भर आपके संबंध अच्छे हो जाएंगे। तो व्यक्ति के एब्सेंस में जरूर प्रशंसा करना सीखो। ओम शांति। मित्रों, प्रतिदिन हमें इंतजार रहता है इस सेगमेंट का जिसकी ओर अब हम चलने वाले हैं। यद्यपि बातें हम बहुत सुनते हैं, अच्छी अच्छी बातें पढ़ते भी हैं, देखते भी हैं, सुनते भी हैं, लेकिन जब किसी के जीवन के अनुभव हम सुनते हैं कि कैसे उन्होंने अपने जीवन में विपत्तियों का सामना करते हुए शिखर तक की यात्रा तय की, तो वो हमें बहुत ज़्यादा प्रेरित करता है। और इसमें कैसे अध्यात्म और मूल्य मदद करते हैं, जब ये बात भी हम सुनते हैं तो अध्यात्म के लिए, मूल्यों के लिए हमारी रुचि बढ़ती चली जाती है। ब्रह्मा कुमारीज में या ब्रह्मा कुमारीज के हेडक्वार्टर्स में जब कभी हमारे विशिष्ट जन पधारते हैं तो ऐसे ही सुंदर अनुभवों को साझा करते हैं। आइए देखते हैं कि आज कौन से अतिथि हमारे साथ अपने अनुभव के साथ हैं। परमात्मा, जब भी मैं कोई कर्म करता हूँ, जब भी मैं कोई सपना देखता हूँ, तो मुझे लगता है बाय डिफॉल्ट ये सब परमात्मा ही मुझसे करवा रहा है। ना मैंने कभी टीचर बनने का सोच रखा था जो मैं आज हूँ, ना मैंने कभी किसी एक चैप्टर का चेयरमैन बनने का सोचा था जो मैं आज हूँ। ये सब कुछ चीज़ें जब हुई तो एक चीज़ तो महसूस हुई कि कहीं ना कहीं इस रास्ते में मतलब परमात्मा का एक अनोखा योगदान रहता है, एक अद्भुत एहसास जो पॉजिटिव वाइब्स पिछले 83 ईयर्स से यहाँ पर जितने भी योगी लोगों ने बना रखी है, इस पॉजिटिव वाइब्स को सीधे सीधे गेट के एंट्री गेट पे अंदर आते से ही मैंने महसूस किया। जितने प्रकल्प और जितनी अच्छी तरीके से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ऐश्वर्य विश्वविद्यालय ये काम कर रहे हैं, यहाँ पर इस अध्यात्म का प्रचलन विश्व तक पहुँचाना, ये काम जो किया गया है ये बहुत ही सराहनीय है। प्लस यहाँ की जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं वो कहीं ना कहीं आप में एक डेवलपमेंट करने पे आपको मजबूर करती है। मित्रों, एक रस्सी को फांसी बनाकर झूल जाओ या झूला बनाकर झूलो, ये हमारे अपने ऊपर है। अध्यात्म हमें सिखाता है कि कैसे रस्सी को झूला बना लें, अर्थात जीवन को झूला बना लें और इसके हर पल का आनंद लें। यही सीख ब्रह्मा कुमारियां जन जन तक पहुंचा रही हैं और अलग अलग सेवा केंद्र लगातार इस कार्य में लगे हुए हैं। भारत के हर शहर में ये सुंदर कार्य चल रहा है। हाथरस में भी ब्रह्मा कुमारी इसका सुंदर सेवा केंद्र है। हाथरस कॉलोनी का वार्षिक उत्सव मनाया गया जिसमें सरोज बहन जी ने अपनी शुभकामनाएं दी। आइए आज के पीस न्यूज में हाथरस चलते हैं। ब्रह्मा कुमारी हाथरस आनंदपुरी कॉलोनी का वार्षिक उत्सव स्थानीय केला फार्म हाउस के सभागार में बहुत उमंग उत्साह से मनाया गया। आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर की श्रृंखला में ये भव्य आयोजन किया गया, जिसमें मैनपुरी के जिलाधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह, पुलिस अधीक्षक विकास कुमार वैद्य, वामसारथी पुलिस वेलफेयर सोसाइटी की अध्यक्षा विभा वैद्य, पश्चिमी उत्तर प्रदेश ब्रह्मा कुमारी प्रभारी बीके सरोज दीदी, नौसेना के कमांडर
शिव सिंह सहित शहर के तमाम गणमान्य जनों ने सहभागिता की और अपने अपने विचार रखे। अंत में पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रभारी बीके सरोज दीदी ने आशीष वचन देते हुए कहा कि शिव बाबा की याद से मन अमन बन जाता है और जग चमन हो जाता है। मित्रों, कई बार लोग इस बात को लेकर बहुत डर जाते हैं कि किसी ने मुझे बद्दुआ दे दी, किसी ने मुझे बुरा कह दिया, अब कहीं उसका असर मेरे ऊपर ना हो जाए। मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूँगा मित्रों, कि यदि ऐसा होता कि किसी के कहने से कुछ अच्छा हो जाता या बुरा हो जाता, तो या तो संसार स्वर्ग होता या नर्क होता। लोग तो कहते ही रहते हैं, हमें वही करते चलना है जो अच्छा है और सच्चा है। ऐसे में कोई हमारे साथ हो या ना हो, लेकिन परमात्मा अवश्य हमारे साथ होते हैं और हमारी ये सच्चाई और अच्छाई लोगों के दिलों पर घर कर जाती है और इसी को लोग प्रेरणा मान करके आगे फॉलो करते हैं। तो सच्चा और अच्छा, इसे ही अपने जीवन का मंत्र बनाना है मित्रों, ना कि लोग क्या कहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और इस सुंदर बात पर आज जरूर विचार कीजिएगा। कल पुनः आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार, ओम शांति।